हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि इंटर का जो एग्ज़ाम होने वाला है 2022 का, तो आपको मैं इस वीडियो में 2020 में जो भी क्वेश्चंस आए हुए थे उसका बस मैं आपको एक रिव्यू देने वाला हूँ। आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को देख के रखना ताकि आपको एग्ज़ाम देने में आसानी हो और आपको पता भी रहे कि कैसे आपका जो आएगा क्वेश्चन पेपर कैसा रहता है, ठीक है, इसमें कितने क्वेश्चंस होते हैं। तो आपको मैं इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चन पेपर थे 2020 के स्टैंडर्ड 12th के, वो आपको मिलेंगे। आप इसको ध्यान से देखना और अगर आपको भी, अगर आप चाहो तो इसमें इस टाइप्स के क्वेश्चन को भी सॉल्व करके देख सकते हैं ताकि आपको ये पता चले कि आपका प्रिपरेशन कैसा चल रहा है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले तो हम लोग देखते हैं फिजिक्स वाले से। ये जो है आपका फिजिक्स का है, इसमें आप देख सकते हैं टाइम जो है वो 3 आवर 15 मिनट्स मिले हैं और टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है 66 हैं, ठीक है। तो इंस्ट्रक्शन, सबसे पहले तो आपको इंस्ट्रक्शन देख लेना होगा। जो भी इंस्ट्रक्शन है आप पढ़ के, जो भी इनविजिलेटर बताएं उस हिसाब से आपको काम करना है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। तो आप ये देख सकते हैं इस पेज में भी आपका इंस्ट्रक्शन ही दिया हुआ है। यहाँ से देखते हैं तो ये सब जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सेक्शन ए में ऑब्जेक्टिव का ही क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप इस टाइप्स के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखो, इससे आपको पता चलेगा कि आपका जो तैयारी है कैसा है। तो ये आपका सेक्शन ए में आ गया है। ये देखो इधर क्वेश्चन नंबर, इधर भी कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। उसके बाद आपका इधर आ गया 7, 8, 9। फिर आपका क्वेश्चन नंबर 10, 11, 12 है, हिंदी और इंग्लिश दोनों तरह लिखा हुआ रहता है। आप जिस भी मीडियम से चाहें सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन है, कुछ आप देख सकते हैं और जब भी आप एग्ज़ाम में दो तो आपको बस आराम से बनाना है, ना ही ज़्यादा जल्दी और ना ही ज़्यादा देर करना है, बस आपको टाइम के हिसाब से ही काम करना है। और सारा कंप्लीट हो जाने के बाद आपको एक बार चेक करना भी है। तो ये देख लीजिए 21 तक का मिल गया आपको, इसमें 24 तक है, 25, 26, 27, ठीक है। ये आपका हो गया 28, 29, 30, 31, 32, 33। बस क्वेश्चन का लेवल देखते जाओ ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में भी आए। देख लो किस टाइप से का क्वेश्चन जो है आपको दिए गए थे। ठीक है, ये पेज भी देख लीजिए। मीन्स आपका टोटल क्वेश्चन जो है 42 ऑब्जेक्टिव थे। उसके बाद सेक्शन बी में आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है और इसमें आप क्वेश्चन को ऊपर वाले पढ़ के एकदम बनाना है, जितने क्वेश्चन बोले जाएं उतना बनाना है, ठीक है। और ये आपका लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो गया 19 से 24 थे। तो इस टाइप से आपका फिजिक्स का जो है क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से होंगे। अब हम देखते हैं केमिस्ट्री का क्वेश्चन, केमिस्ट्री में कैसे कैसे क्वेश्चन आए हैं। ये सेक्शन ए वाला है, बस आप देखते जाओ ज़्यादा लेंदी ना बन जाए। क्वेश्चन वैसे ज़्यादा हार्ड नहीं होता है, बहुत ही बेसिक बेसिक क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं इसमें। ये सेक्शन बी वाला है, क्वेश्चन आंसर है,
तो इस टाइप से आपका केमिस्ट्री भी ख़त्म हो गया। अब हम मैथ देखते हैं, मैथ में कैसे क्वेश्चन आए थे। ये सेक्शन ए का है, ऑब्जेक्टिव टाइप। बस क्वेश्चन का लेवल देखते जाना है आपको, और इसी टाइप से आपको ऐसा नहीं कि यही आ जाए, लेकिन थोड़ा हार्ड वाला भी आपको प्रैक्टिस करना है, ताकि आपको ये सब छोटा क्वेश्चन तो आसानी से आप सॉल्व कर सको। और यहाँ से आपका सेक्शन भी स्टार्ट हो गया। ठीक है, और ये आपका लॉन्ग टाइप है। अब ये आपका इंग्लिश देख लेते हैं। क्वेश्चन सब आसान ही है। तो ये आपका इंग्लिश का था, लैंग्वेज वाला, और ये आपका अल्ट इंग्लिश है। ये आपका 2020 में आए गए क्वेश्चन सब है। और ये आपका हिंदी का है। बस ये आपका हिंदी का था। तो ये जो थे आपको 2020 के में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप देख लेना, और इस टाइप के क्वेश्चन को भी ट्राई करना सॉल्व करने का। अगर आपका सॉल्व आपका आप देखें कि आपका प्रैक्टिस कैसा है, इसे आपका ये पता चलेगा। वीडियो पसंद आए तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।